भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला, अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है। केंद्र की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए,
16 लाख कितने, 16 लाख गरीबों के घर कितने, यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई। और ये घर किसको मिले, एससी एसटी ओबीसी, जिनके पास पक्का घर नहीं था, ऐसे मेरे